नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शांतनु और स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल में। सो एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर मैं काफ़ी सारे वीडियोस मेरे चैनल में अपलोड कर रहा हूं, तो ये वीडियो भी उसी का एक पार्ट है। आप मेरे चैनल में जा सकते हैं, जाके प्लेलिस्ट में जाके एफिलिएट मार्केटिंग गाइड इन हिंदी वाला जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जितने भी वीडियोज़ हैं एक एक करके वो देख सकते हैं। और एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, एज ए बिगिनर आप कैसे एफिलिएट मार्केटिंग में एंटर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग में एक सक्सेसफुल वेबसाइट बनाने के लिए, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मैं इस प्लेलिस्ट के दौरान आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो स्पेसिफिक टू अमेज़न एफिलिएट वेबसाइट है। जी हाँ, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग में आप अगर वेबसाइट बनाना चाहते हो तो यहाँ पे ऐसे हज़ारों लाखों प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको अगर पता नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से वो प्रोडक्ट्स आप ला सकते हो। उसके बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, कौन कौन से पॉपुलर एफिलिएट नेटवर्क है जहाँ से आप प्रोडक्ट्स को उठा सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। जितने भी एफिलिएट्स हैं उन सब में जो सबसे पॉपुलर है वह अमेज़न का एफिलिएट प्रोग्राम। जी हाँ, Amazon.in जिस वेबसाइट के बारे में हम सब लोग जानते हैं, आज के दिन में हमारा ज़िंदगी में जो भी नीड है वो हर चीज़ हम ज़्यादातर चीज़ें हम Amazon से ही परचेस करते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग के जो सबसे की रूल वही होता है कि हमको उन्हीं चीज़ों पे प्रमोट करना है जो चीज़ लोग खरीदते हैं। तो सबसे ज़्यादा चीज़ लोग खरीदते हैं Amazon से ही, और Amazon का एक एफिलिएट प्रोग्राम भी है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अब Amazon का एफिलिएट प्रोग्राम को इस्तेमाल करके आप बहुत ही ईजिली, या फिर मैं बोलूँगा बहुत ही कम्फर्टेबली आप वेबसाइट बना सकते हो। दुनिया भर के टॉपिक्स है, दुनिया भर के प्रोडक्ट्स है अमेज़न के पास, उन टॉपिक्स पे आप, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर आप वेबसाइट बना सकते हो। अब किस टाइप के वेबसाइट आप बना सकते हो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ। आप मल्टी निश ब्लॉग बना सकते हो, या फिर कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रोडक्ट के ऊपर भी आप अलग से एक ब्लॉग बना सकते हो। अमेज़न का जो एफिलिएट प्रोग्राम है उस पर कैसे साइन अप करें, कैसे आप वहाँ पे अपना एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करें, और कैसे आप वहाँ पे लिंक बनाएं, या फिर आपका जो एफिलिएट यूआरएल होगा वो यूआरएल आप कैसे बनाएं, कहाँ से बनाएंगे, तो ये सारा चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं पूरा साइन अप करके आपको दिखाने वाला हूँ, साथ ही साथ उसके बाद कैसे आप वो यूआरएल या लिंक बनाओगे और अपने वेबसाइट पर डालोगे वो सारा चीज़ भी मैं इस वीडियो में एंड तक दिखाने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं आगे आने वाले दिनों में अपलोड करने वाला हूँ उसको आप मिस ना करें। आप सारा वीडियो देखिए, नॉलेज गेन कीजिए और ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल बनिए, यही मेरी वीडियो का पीछे का जो मकसद है। तो चलिए बिना कोई देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेरा ब्लॉग दिखा देता हूँ, blogninja.com। और तो ये मेरा मेन ब्लॉग है जिसके ज़रिए मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ। और यहाँ पे मेरा एक दूसरा वेबसाइट है जो रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया, इसमें आप देखेंगे ये बहुत ही नया वेबसाइट है। मैंने इसको तो मैंने सोचा कि हाँ, इन एग्जाम्पल्स वीडियोज़ के लिए मैं इसी वेबसाइट के ज़रिए आप लोगों को हेल्प करूँगा बताने के लिए कि मैं कैसे चीज़ों को किया जाए। तो इन दोनों वेबसाइट के बीच आप जो डिफरेंस है, एक चीज़ ये समझ लीजिए, ये जो मेरा मेन ब्लॉग है इसमें मैं अलग अलग तरीके के एफिलिएट प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ। ये होस्टिंग का भी हो सकता है, थीम का भी हो सकता है, प्लगइन्स का भी हो सकता है, कुछ भी। बट ये जो वेबसाइट है ये डेडिकेटेड टू सिर्फ अमेज़न का प्रोडक्ट के लिए है। आप अगर देखोगे यहाँ पे, मैंने जो मेरा पिछले वीडियो आपको मैं देख चुके होंगे, आपके अमेज़न का डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स के बारे में मैं आपको बताया हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिलिएट वेबसाइट्स क्या होता है। तो इसमें आप देखो, मैं जितना भी आर्टिकल या फिर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा वो सारा का सारा अमेज़न के ही प्रोडक्ट है, बटन से लेके। तो ये टेबल्स मैंने कैसे क्रिएट किया, या फिर कैसे इन प्रोडक्ट्स के बॉक्सेस को मैं शो कर रहा हूँ, ये सारा डिटेल चीज़ें मैं आपको मेरे आने वाले वीडियोस में एक एक करके दिखाने वाला हूँ। तो अमेज़न का जो एफिलिएट प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है, तो मैं आपको पहले ये बताता हूँ। तो पहले आपको अमेज़न का जो कमीशन रेट है वो दिखा देता हूँ, अमेज़न एफिलिएट कमीशन। अच्छा, अब जैसा कि मान लीजिए मेरा जो मेन ब्लॉग है, अब इस ब्लॉग के जरिए मैं जितना भी प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूँ, ठीक है, तो ये सारी प्रोडक्ट्स किन लोगों के लिए, सिर्फ वो ब्लॉगर्स लोगों के लिए है जो बहुत ही, मतलब जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया का पॉपुलेशन, तो उसमें कितने परसेंट लोग होंगे जिनको ये प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, ठीक है ना। तो वहीं पर आप अगर अमेज़न का सोचो, अमेज़न एक ऐसा वेबसाइट है आज की डेट में जो कुछ भी सेल करता है, आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें चाहिए वो सारा का सारा प्रोडक्ट सेल करता है। मतलब इसका जो कंज्यूमर बेस है वो कम से कम लगभग पूरा इंडिया ही है मान लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे अमेज़न एफिलिएट साइट्स के ऑनलाइन, जिनका फॉलो करके आप आराम से कोई भी एक वेबसाइट बना सकते हो। इतने सारे प्रोडक्ट्स है, आपको आराम से कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट ज़रूर मिल जाएगा जिसका कंपटीशन बहुत लो है, जिस पर आप कंटेंट लिख के आराम से रैंक करके आप उसमें से पैसे कमा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अमेज़न के एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप वो एफिलिएट प्रोग्राम कैसे ज्वाइन करते हैं,
चलिए लिखता हूँ साइन अप अमेजन एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक है। आपको गूगल में सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक मतलब चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। तो साइन अप, अच्छा ठीक है, मैं लिखता हूँ ज्वाइन, तो हाँ ये आ गया। तो यहाँ पे आप चले जाइए इसमें, तो ये इंडिया के लिए है, ठीक है। तो ज्वाइन फॉर फ्री, तो आप यहाँ पे ज्वाइन फॉर फ्री कर सकते हो। मेरा ऑलरेडी ज्वाइंट है, बट मैं आपको यहाँ पे एक बना के दिखाऊंगा। इस आईडी से मेरा ज्वाइंट है ऑलरेडी, तो लॉगिन मांग रहा है ये। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, क्रिएट न्यू अकाउंट में क्लिक करता हूँ। तो योर नेम, मैं नेम दे देता हूँ मेरा, एक नया ईमेल आईडी दे देता हूँ, कॉन्टैक्ट ये पासवर्ड मान लीजिए कुछ एक शेयर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। क्रिएट योर अमेजन अकाउंट क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आपको ओटीपी मांग रहा है, तो इस आपके ईमेल आईडी में ओटीपी चला गया होगा, तो मैं अपने ईमेल में लॉगिन करके ये ओटीपी डाल देता हूँ। तो ये देखिए आप यहाँ पे आपको ओटीपी दिख गया है, तो ओटीपी आ गया मेरे पास वेरीफाई योर अमेजन अकाउंट, तो मैं इसको अभी कॉपी करके वहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ओटीपी डाल रहा हूँ, क्रिएट योर अमेजन अकाउंट। तो ये बस आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए मैं ये अकाउंट बना रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये आ गया नेक्स्ट पेज, तो यहाँ पे देखिए क्रिएट योर अमेजन एसोसिएट अकाउंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ओके प्लीज़ रीड इंस्ट्रक्शन बिफोर यू फिल दिस इन्फॉर्मेशन टू फिल, ओके। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको पे नेम देना पड़ेगा, आपका जो नाम है आप वो नाम लिख दीजिए। मान लीजिए मैं अपना नाम लिख दिया, एड्रेस लाइन आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी लेन, मैं बस एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। सिटी मान लीजिए हैदराबाद दे देता हूँ मैं, स्टेट दे देता हूँ तेलंगाना, पोस्टल कोड दे देता हूँ, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे दिया। फ़ोन नंबर आपका मैंडेटरी है, तो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर दे दीजिए, हु इज़ द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट, द पे लिस्टेड अब आप, ठीक है। समोन एल्स है तो आप समोन एल्स को भी दे सकते हैं, उसका नाम भी दे सकते हैं यहाँ पे, और उसका फ़ोन नंबर, ठीक है। फ़ोन नंबर दीजिए, फॉर यू एस टैक्स पेयर्स आर यू यू सिटीजन, नो। तो मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर दूंगा और यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर देता। तो नेक्स्ट स्क्रीन देखिए आप, नेक्स्ट स्क्रीन में ये क्या करेगा, आपका वेबसाइट मांगेगा, ठीक है। तो मैं मान लीजिए जैसे मैंने ये वेबसाइट पे ऑलरेडी अमेजन है मेरा, फिर भी मैं जस्ट टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे ये वेबसाइट दे देता हूँ, या फिर मैं काम करता हूँ मेरा एक और वेबसाइट मेरा ऐसे ही तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक और मेरा डेमो वेबसाइट है, उस वेबसाइट को यहाँ पे डाल देता हूँ, vloggingbiz.com, ठीक है। एंटर योर वेबसाइट्स, चलिए हमने एक वेबसाइट यहाँ पे डाल दिया, तो आप ऐसे डाल दीजिए एक वेबसाइट। मोबाइल ऐप अगर आपका होगा तो आप मोबाइल ऐप भी यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन में चलते हैं, प्रोफाइल, व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी। तो यहाँ पे एसोसिएट स्टोर आईडी चलिए ले लेते हैं, व्लॉगिंग बेस्ड, तो आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, मतलब कुछ कॉमन देना तो कुछ कॉमन दे सकते हैं। मान लीजिए मैं व्लॉगिंग बेस्ड ही डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। व्हाट आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स इज अबाउट, दिस वेबसाइट इज ऑल अबाउट गैजेट्स एंड गियर्स, आप कुछ भी लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक बेस्ट डिस्क्राइब योर वेबसाइट और मोबाइल, प्राइमरी टॉपिक चलिए ये लिख देते हैं, सेकेंडरी टॉपिक, तो आप अपने हिसाब से जो भी रिलेवेंट है वो आप चूज कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं बस एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स, फिर से ओके ए ब्लॉग लिख लेता हूँ मैं। हाउ डू यू ड्राइव ट्रैफिक, तो मान लीजिए पेड, ईमेल, शॉपिंग, जो भी आपको सिलेक्ट करना कर लीजिए। SEO, ब्लॉग्स, काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्म है, ध्यान से धीरे से फिलअप कर लीजिए क्योंकि सारे मैंडेटरी, देखिए यहाँ पर स्टार मार्क दिया हुआ है। हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट्स एंड एप्स टू जनरेट इनकम, थर्ड पार्टी एफिलिएट वे, डिस्प्ले वेब विजेट, सब्सक्रिप्शन अमेज़न सेल इज द ओनली मोनेटाइजेशन वे, चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाउ डू यू यूजुअली बिल्ड लिंक्स, कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम, हाउ मेनी टोटल यूनिक विजिटर, कुछ भी ले लीजिए, शुरुआत में मान लीजिए आपका कम है तो 500 से कम ले लीजिए। व्हाट इज़ योर प्राइमरी रीजन फॉर ज्वाइनिंग अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम, टू मोनेट यूजफुल कॉन्टेंट फॉर माई साइट, लिख दीजिए कुछ भी। हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, तो फ्रॉम amazon.site ऑनलाइन सर्च, वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है।
यहाँ पे मैं कैप्चा फिलअप करने वाला हूँ अभी, D6M3CC कॉन्ट्रैक्ट। ओके नेक्स्ट फिनिश, देखते हैं अभी क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू amazon.in एसोसिएट प्रोग्राम, योर यूनिक एसोसिएट आई डी इज व्लॉगिंग बिज 21। यहाँ पे आप जितने भी मतलब जो भी आईडी बनाओगे वो इस तरीके से आ जाएगा, आपका नाम होगा साथ में डैश 21 करके आ जाएगा। एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन, तो मान लीजिए मैं इसको लेटर करके अभी स्किप कर देता हूँ, टैक्स इन्फॉर्मेशन आप डाल लीजिएगा बाद में। तो जैसे ही हम इसको ख़त्म कर चुके हैं तो हम ये डैशबोर्ड में आ गए हैं। अब यहाँ से हम हमारा जो अमेज़न का जो एफिलिएट लिंक है वो लिंक यहाँ पे बना सकते हैं। तो अब आप जैसे अमेज़न में वेबसाइट में जाओगे amazon.in में, आप इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे मेरा लॉगिन आ जाएगा, देखिए यहाँ पे मेरा लॉगिन आ गया। और यहाँ पे आपको एक गेट लिंक बोल के एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप कोई भी एक प्रोडक्ट चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए ये वाला फ़ोन, मान लीजिए आप एक आर्टिकल लिख रहे हो बेस्ट रेडमी फ़ोन्स, तो उसमें आप एफिलेट लिंक डालना चाहते हो आपका, तो आप और यहाँ पे गेट टेक्स्ट बोल के जो ऑप्शन है उसमें क्लिक कीजिए। हाँ देखिए ये लिंक जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टोर आईडी क्या है, ब्लॉगिंग बेस्ड, और ट्रैकिंग आईडी आपका ब्लॉगिंग बेस्ड। तो आप यहाँ पे मल्टीपल ट्रैकिंग आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। तो ये आपका जो लिंक है ये आपका स्पेशल अमेज़न एफिलिएट लिंक है। इस लिंक को आप अगर खोल के देखोगे तो आपको मैं पहले वीडियो में जो आपको दिखाया था ट्रैकिंग आईडी वो आपको दिख जाएगा। अब देखो ये लिंक खुल गया, अब ढूंढो आप यहाँ पे टैग कहाँ पे है, मैं आपको ढूंढ के बताता हूँ। ओके हाँ ये देखिए, तो ये हो गया टैग इक्वल टू व्लॉगिंग बिस्ट 21। तो अब इस टैग के साथ जितने भी परचेस होंगे, जितने लोग इस लिंक को क्लिक करके परचेस करेंगे, मेरे अकाउंट में यहाँ पे उसका सारा डिटेल्स आ जाएगा। ये होगा आपका रिपोर्ट जहाँ पे आपको सारा बताएगा कि कितना आपका सेल हुआ है, कितना आपका कमीशन आया है। तो ऐसे आप अमेज़न के अकाउंट में साइन अप कर सकते हैं, और इस तरीके से आपका जो जो भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए लैपटॉप, आपको 10 लैपटॉप का एक आर्टिकल लिखना है, तो आप वो 10 लैपटॉप एक एक करके चूज़ कर लीजिए अमेज़न से, उस पेज में जाके एक एक में वो लिंक बना लीजिए, और इस तरीके से आप बना के आपके वेबसाइट में या ब्लॉग में वो सारे लिंक्स को आप डाल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करता हूँ कि अमेज़न में एफिलिएट अकाउंट आप आराम से क्रिएट कर पाएंगे इस वीडियो को वॉच करने के बाद। इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो या डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा उसका रिप्लाई करके। आने वाले वीडियोज़ में मैं काफ़ी सारे डिटेल्स और भी शेयर करने वाला हूँ एफिलिएट मार्केटिंग और अमेज़न एफिलिएट वेबसाइट्स के बारे में। तो आशा करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा के रखेंगे, ताकि जब भी मैं वो सारे वीडियोज़ को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ तक एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।